हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। निराश्रित असहाय दीवानगों को सीएम योगी ने दिया 9 वर्ष का तोहफा, कहा गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है प्रदेश सरकार। 6 जनवरी को आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव ने लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीएम ने किया 923 लाख की लागत की कुल 112 परियोजनाओं का शिलान्यास, दिव्यांगों को वितरित किए सहायक उपकरण, वृद्ध और विधवा पेंशन का किया वितरण, कहा बदल रहा है गोरखपुर, रामगढ़ताल होगा प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, मतदाता सूची, बूथों के बदलाव सहित अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा। भारतीय चिकित्सा संघ ने NMC IMC बिल 2018 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल का किया विरोध, काली पट्टी बांधकर मनाया संपूर्ण भारत विरोध दिवस। दिव्यांग उपकरण पाने वाले दिव्यांगों के चेहरे पर दिखी मुस्कान, मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद। 10 सूत्रीय मांग को लेकर पोस्टल JCA के केंद्रीय आह्वान पर 8 और 9 जनवरी की बंदी को सफल बनाने के लिए मंडल के डाककर्मियों ने किया बैठक। मारवाड़ बिजनेस स्कूल राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ रंगारंग आगाज, वार्ड संख्या 51 के मलिन बस्ती में 7 दिनों तक चलेगा विभिन्न समस्याओं को लेकर जन जागरूकता अभियान। मारवाड़ी सेवा समिति के तत्वावधान में 6 जनवरी को आयोजित होगा वैवाहिक परिचय सम्मेलन, स्मारिका का भी होगा विमोचन। पहाड़ों पर शुरू हुई बारिश में बदला मौसम का मिजाज, आर्द्रता बढ़ी तो बढ़ गया कोहरे और बादलों का प्रभाव, कोहरे और बादलों में फीकी हुई धूप की चमक। और 4th AKI Cup Under-19 क्रिकेट टूर्नामेंट में TNM क्रिकेट एकेडमी खलीलाबाद ने TDM क्रिकेट एकेडमी को 71 रन से हराया।